गुड मॉर्निंग ऑल, आई एम राकेश। वेलकम टू यू ऑल इन साइड द स्टडी क्लासेस। तो बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश कन्वर्सेशन टॉपिक है, जिसमें इंग्लिश कन्वर्सेशन टॉपिक का नाम है फील लाइक। क्या है? फील लाइक। तो बच्चों, आज का जो सेंटेंस होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस होने वाला है। इसका यूज करके आप लोग क्या कर सकते हैं, कहीं किसी से बात कर सकते हैं, अपने कन्वर्सेशन स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। और अंग्रेजी में कैसे इसे यूज किया जाता है फील लाइक का, इसका सेंटेंस कैसा होता है और किस सेंटेंस के लिए इसका यूज किया जाता है, वो हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए, इंग्लिश कन्वर्सेशन टॉपिक विथ फील लाइक। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग फील लाइक के साथ हम लोग स्टार्ट करते क्लास को। फील लाइक, तो बच्चों ये जो टॉपिक है फील लाइक, ये क्या है? कन्वर्सेशन टॉपिक है। और इस कन्वर्सेशन सेंटेंस का यूज कब करते हैं, किस तरह के सेंटेंस में करते हैं, वो जानेंगे। तो पहले हम लोग इस फील लाइक के बारे में कुछ समझ लेते हैं। फील लाइक होता है क्या? फील लाइक क्या है? कन्वर्सेशन टॉपिक है। और इस सेंटेंस को क्या करते हैं, किसी के अंदर कोई इच्छा होती है, किसी के अंदर कोई डिजायर होता है और उसे क्या होता है, उस काम को करने के लिए उत्सुकता होती है, तो क्या करते हैं, फील लाइक का यूज करते हैं। जैसे कि फील लाइक का वर्ड मीन क्या होता है, फील लाइक का मीन करता है, ये इसका वर्ड जो होता है वो होता है मन करता है। क्या होता है? मन करता है। यहां पे आप लिख सकते हैं फील लाइक मन करता है। क्या लिखेंगे? मन करता है, मन करता है, या हो सकता है दिल करता है। क्या होगा? दिल करता है, मन करता है, दिल करता है, या दिल चाहता है, दिल चाहता है ना, या जी करता है। क्या होगा? जी करता है। तो बच्चों, इस तरह के जो सेंटेंसेस होगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, मन करता है, दिल करता है, जी चाहता है, दिल करता है, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, फील लाइक से क्या करता है, मैच करता है। और उस सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फील लाइक का यूज करते हैं। तो चलिए, कुछ सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं। तो उस पर का कुछ सेंटेंस कैसा होता है, तो अगर आप कहीं देखते होंगे या बोलते होंगे, मन करता है डॉक्टर बनूं, मन करता है शिक्षक बनूं, मन करता हूं घूमने जाओ, मन करता है खाना खाओ, दिल करता है वहां जाने का, मन करता है तुम्हारे साथ बात करने का, मन करता है उसके साथ ट्रिप पे जाओ, मन करता है शहर जाओ। इस तरह का जो भी सेंटेंस होगा, इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, इस सेंटेंस जब हम लोग कन्वर्सेशन करते हैं सेंटेंस, तो इस सेंटेंस का सेंस जो होता है, किसी व्यक्ति के अंदर वो डिजायर है, यानी कि उसके अंदर क्या है, एक इच्छा उगती है, यानी कि उसके अंदर क्या है, इंटरनल माइंड में एक इच्छा है कि इस काम को करने का। तो इस तरह का जो सेंस होता है वो क्या करते हैं, फील लाइक से सेंटेंस को बनाते हैं। तो चलिए, कुछ सेंटेंस को हम लोग लिखते हैं और सेंटेंस में कैसे हम लोग क्या करते हैं, फील लाइक यूज करके उस कन्वर्सेशन सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए, हम लोग आज का क्लास जो है फील लाइक जो है इसे अच्छा से समझते हैं। इससे पहले आपका जो भी वीडियो जा रहा है स्पीकिंग कोर्स का, उसे आप रेगुलर करते रहें और रेगुलर पढ़ते रहें। इस तरह आप रेगुलर करेंगे तो क्या होगा, इंग्लिश जो स्किल्स होगी वो आपका धीरे धीरे बढ़ेगा। तो बच्चों, मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस को लिया है जो फील लाइक से क्या करता है, मैनेज्ड करता है। तो यहाँ पे मैंने पहला सेंटेंस लिया है, मन करता है अंग्रेजी सीखूं, यानी कि क्या है, किसी व्यक्ति को इच्छा है, उसके अंदर इंटरनल माइंड क्या कह रहा है, अंग्रेजी सीखने का, यानी कि मन करता है अंग्रेजी सीखूं। तो इसे कैसे बनाएंगे, इसे हम लोग क्या करेंगे, फील लाइक सेंटेंस को बनाएंगे। इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, फील लाइक का रूल जो होता है उसे रूल को हम लोग एक झलक देख लेते हैं। तो यहाँ पे रूल मैंने लिखा है, सबसे पहले सेंटेंस में क्या करना है, सब्जेक्ट को लिखा जाता है, आप लोग को पता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद लिखना है फील लाइक लिखना है, अब बाकी जो वर्ब होगा वो क्या होगा, आईएनजी फॉर्म होगा, यानी कि प्ले रहेगा तो प्लेइंग, गो रहेगा तो गोइंग, यानी कि जो वर्ब का फॉर्म होगा उसे क्या करेंगे, आईएनजी फॉर्म में लिखते हैं। और बाकी जो सेंटेंस होता है वो बाकी जो सेंटेंस में बचेगा वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए, पहला सेंटेंस मैंने लिया है क्या बच्चों, मन करता है अंग्रेजी सीखूं, मन करता है अंग्रेजी सीखूं। तो पहले लिख देना किसका मन करता है, मेरा मन करता है, यानी कि सब्जेक्ट छुपा हुआ है, मेरा मन करता है। तो यहां पे आप लिखेंगे आई फील लाइक, क्या लिखेंगे, आई फील लाइक, मन करता है, मेरा मन करता है, आई फील लाइक, क्या सीखू, आई हो गया, फील लाइक हो गया। अब वर्ब क्या है, सीखना, काम क्या है, सीखना, सीखना का क्या होता है, लर्न,
लेकिन ये यहाँ पे क्या करना है बच्चों, लर्निंग देना है, क्योंकि क्या है वर्ब फॉर्म में यहाँ पे लिखना है लर्निंग, और क्या बच गया यहाँ पे अंग्रेजी, अंग्रेजी को हम लोग क्या कहेंगे इंग्लिश। आई फील लाइक लर्निंग इंग्लिश। फिर मैंने सेंटेंस, सेकेंड सेंटेंस लिखा है दिल चाहता है शहर जाओ, दिल चाहता है कहाँ जाने का मेरा, शहर जाने का। तो मेरा मन करता है, अगर कहेगा तुम्हारा मन करता है शहर जाओ, है शहर जाने का, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा यू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो भी सेंटेंस मैंने लिया है वो मेरा मन करता है, मेरा दिल चाहता है, उस सेंटेंस को मैंने लिया, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे आई, उसके बाद लगा देंगे फील लाइक, आई फील लाइक हो गया, आई के जगह पे सब्जेक्ट, फील लाइक के जगह पे यहाँ पे फील लाइक। अब यहाँ पे वर्ब डिमांड कर रहा है, काम क्या है शहर जाऊं, जाना का क्या होता है बच्चों गो, क्या होता है गो, लेकिन यहाँ पे क्या करना है गोइंग लिखना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने रूल में लिखा है सब्जेक्ट लिखना है और उसके बाद फील लाइक लिखना है, उसके बाद वर्ब फॉर लिखना है। वर्ब फॉर जो होता है वो क्या होता है आई एन जी लगा देते वर्ब में, तो वह वर्ब फॉर बन जाता है, जिसे जिरंड फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। तो आई फील लाइक गोइंग टू कहां, शहर जाने का, तो क्या लिखेंगे बच्चों टाउन, आई फील लाइक गोइंग टू टाउन। फिर मैंने थर्ड सेंटेंस लिया है जी करता है सबको छोड़ दू, जी करता है सबको छोड़ दू, तो यहां पे क्या लिखेंगे आई फील लाइक, आई फील लाइक सबको छोड़ दू, है ना सबको छोड़ दू, तो यहाँ पे छोड़ना का क्या होता है बच्चों लिविंग, क्या होता है लिविंग, लिविंग टू ऑल, लिविंग टू ऑल सबको छोड़ दो, लिविंग टू एवरीबॉडी या लिविंग टू ऑल। तो इस तरह के जो भी सेंटेंस रहेगा, मन करता है फाइव स्टार होटल में जाऊं, मन करता है अंग्रेजी सीखूं, मन करता है पैसा कमाऊं, मन करता है पटना जाऊं, मन करता है दिल्ली जाऊं, मन करता है शिक्षक बनूं, इस तरह के जो भी सेंटेंस रहेगा जिसमें मन करता है दिल चाहता है, यानी कि सेंटेंस का जो मतलब होगा किसी के अंदर जो इच्छाएं होगी वो इच्छा को प्रकट करेगा, यानी कि मन करता है मेरा दिल चाहता है कि ये काम करने का, ये बनने का, तो इस तरह का जो सेंटेंस होता है बच्चों उसमें हम लोग क्या करते हैं फील लाइक का यूज करते हैं और सेंटेंस को बनाते हैं। ध्यान में आपको यह रखना बात है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद फील लाइक लिखना है, और वर्ब जो लिखना है उसमें आईएनजी का फॉर्म होना चाहिए और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, आज का जो क्लास है वो फील लाइक को हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगर आप अभी तक सादा स्टडी क्लासेस को ज्वाइन नहीं किए हैं तो अभी जाकर ज्वाइन कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि जो भी वीडियो सबसे पहले आएगा, जो भी वीडियो अब मैंने अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफाई और नोटिफिकेशन के साथ पहुंचेगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपका दिन अच्छा हो, गुड बाय, थैंक यू।